तब तक कि आनंद मोहन जी को रिहाई होनी चाहिए, वैसे वैसे लोग पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। और पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद कई तरह के सवाल उठे, काफी विरोध भी हुआ और उन विरोधों का जवाब भी दिया गया। लेकिन आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और राजद के विधायक मंच से अपने पिता की रिहाई को लेकर और उनका नाम लेकर खूब भावुक हुए और विरोधियों पर जमकर बरसे भी, और कहा कि जो लोग कल रिहाई की बात करते थे, जो लोग इसके समर्थन में थे, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही चेतन आनंद ने खुले मंच से कई सारे बातें को कही, वो खास करके बीजेपी पर खूब भड़के। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चेतन आनंद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। यह हम सबसे संघर्ष का नतीजा है, और मैं सिर्फ सुबह की बात नहीं कहूँगा, बिहार में लाखों चाहने वाले लगातार अनवरत पापा की रिहाई का मांग करते रहे, और उम्र कैद की सजा भी 14 साल कहा जाता है, 16 साल ही सही, लेकिन आज हमारे पिताजी आपके बीच में हैं। हमारे घर में क्या होता था क्या नहीं, ये हम आपके बीच में पहले भी बता चुके हैं कि जब से पापा जेल गए थे हम लोग छोटे थे, होली दीपावली दशहरा कुछ नहीं हम लोगों ने मनाया, लेकिन जिस दिन बाहर आए तो मानो सारे त्योहार एक बार में मन गए। आज इस सब का श्रेय आप सबको जाता है, आपके संघर्ष को जाता है, आपके प्यार को जाता है। और मैं ये कहने के लिए आया हूँ आपके बीच में कि पिछले कुछ दिनों से हमारी तो शादी हुई थी, हम बाहर चले गए थे थोड़ा घूमने के लिए, और लगातार फेसबुक पे लगातार हम आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे देखते आ रहे थे कि भाई जो जो लोग ये कह रहे थे तब तक कि आनंद मोहन जी को रिहाई होनी चाहिए, वैसे वैसे लोग पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई क्यों हुआ। मैं आपको बताता हूं क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ ताकि आपका चरित्र का पता चल सके कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं, इसीलिए हुआ। और मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1996-97 में जब अटल जी की सरकार गिरने वाली थी तब मेरे पिताजी ने एक वोट में करके उस सरकार को बचाने की कोशिश की थी। हम तो आपके बारे में कुछ नहीं कहते हैं, हमने तो आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन क्योंकि आपका टारगेट कोई और था, कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो आपने निशाना आनंद मोहन जी को बनाया। लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समय के साथ आपका हिसाब करेंगे, और ये जो ईद का जवाब है उसको हम पत्थर से देने का काम करेंगे। हमें कोई छेड़ता नहीं है तो हम चुप हैं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे सभी लोगों को, ये जो दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो कल अरे ताजुब होता है हमको, हमारी बहन की शादी में आप लोग आए, खाना खाए, रसगुल्ला खाए, मिठाई खाए, ऐसे सभी लोग आए थे। बिहार के ये जो बड़का पार्टी है, बाकी हम नहीं बोलेंगे, आप सब जानते हैं कौन से पार्टी की हम बात कर रहे हैं, तो बड़का पार्टी के लोग हैं सब लोग मेरी बहन के शादी में आते हैं, और जब आनंद मोहन जी निकलने वाले थे और हमारी शादी थी, भाई हम क्या करु गुना किए थे, हमारी शादी में एक भी आदमी नहीं आया, और थोड़े बहुत आए, कुछ कुछ लोग आए जिनको अंदर आज भी वो बात है कि पार्टी कुछ भी कहे वो आनंद मोहन जी के साथ ऐसे लगाए थे, लेकिन कुछ कुछ महानुभाव जो थे जिनको आनंद मोहन जी ने बनाया है, जो कभी कभी शिवर भी आते थे सुमो चला करके, वैसे वैसे लोग जो है गायब दिखाई दिए, जिनको बच्चे की तरह पाला मेरे पिताजी ने, ऐसे ऐसे लोग
मेरी शादी में नहीं आए। तो ये तो आप सबको बताने के लिए आया हूँ कि इनका चरित्र क्या है। इनके लिए परिवार कुछ नहीं होता, इनके लिए प्यार कुछ नहीं होता, इनके लिए एक ही लालच है, वो है कुर्सी की लालच। और जो कहते हैं सर्वे सर्वा वही मानना है, वैसे गुलामी की लालच इनको है। तो हम गुलाम लोग नहीं है, हम लोग लड़ाकू लोग है। हमको छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं, ये आगाह करते हैं। जय हिंद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।